गैंगस्टर के फरार होने पर पंजाब में अब सियासी जंग शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने विपक्ष पर इसका ठीकरा फोड़ा है। कांग्रेस और अकाली के राज की कुछ गंदी मछलियां अभी हमारे राज में बाकी हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हम सिस्टम को दुरुस्त कर रहे हैं, ये कहना है पंजाब सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर का। और लगातार चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो कोई काली भेड़ अकालियों कांग्रेसियों ने के समय में पुलिस में पैदा हुई है, अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो कल भी की गई है, और आगे से भी ऐसी कोई बात आएगी सामने तो उसके ऊपर की जाएगी। कल से वही ऑफिसर जिसका नाम इसमें आया था उसको डिसमिस भी कर दिया गया है, उसके ऊपर पर्चा भी दर्ज हो गया है और वो अरेस्ट भी हो गया है। पुलिस लापरवाही है, बड़ी जल्दी पड़ा जाएगा। हो क्यों लापरवाही, किसकी कई बार हो जाती है तो लापरवाही। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किसी मुलाजिम ने गलती की है, उन्होंने रेस्ट भी पा ली होती था, व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। कई बार किसी ऑफिसर की नेगलीजेंसी हुई है, उन्होंने इसलिए तो अरेस्ट किया है। क्यों, हम तहकीकात चल रही है, थोड़े दिन थोड़े सामने रिपोर्ट आ जाएगी। आफ्टर पुलिस कस्टडी से भाग रहे हैं, क्या हो रहा है पंजाब? देखो, जो भाग रहे हैं या बाहर से पकड़ के ले आए थे गैंगस्टरों को, तो ये तो चीज कोई यहाँ से भी पकड़ लेंगे। तो आफ्टर पुलिस कस्टडी से भाग रहे हैं, क्या हो रहा है पंजाब? देखो, जो भाग रहे हैं या बाहर से पकड़ के ले आए थे गैंगस्टरों को, तो ये तो चीज कोई यहाँ से भी पकड़ लेंगे। तो सुन रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, और ठीकरा वो विपक्ष पर फोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता है सुखजिंदर रंधावा, उन्होंने आम आदमी पार्टी को हालांकि घेरा है, बोला है कि घटना से पता चलता है कि कानून व्यवस्था किस तरीके की है पंजाब में। तो कांग्रेस नेता ने अब आम आदमी पार्टी पर साधा है निशाना। एक, एक, एक दिन से नहीं, वो पिछले 5-6 दिन से जब से वो रिमांड पर था उसी दिन से अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा रहा था। इसकी जांच होनी चाहिए और पता निकालना चाहिए कि मेरी जांच आप किसको कहें, दोनों तो मिले हुए हैं, बीजेपी भी और आप दोनों मिले हुए हैं, किसके पता नहीं। आप तो भगवान ही करेगा इंसाफ। चलिए, इसी पर अपडेट के लिए एक बार फिर से मोहित हमारे सहयोगी जो हमारे साथ बने उनका मैं रुख करना चाहूंगी। मोहित, इस पूरे मामले पर सिद्धू मूसेवाले की जो माँ है उनका भी बयान सामने आया था, वो तो सीधे सीधे पंजाब सरकार को निशाने पर ले रही थी, पर यहाँ तो उल्टा सब कुछ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार है राज्य में, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई विपक्ष की वजह से ये सब हो रहा है। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सिद्धू मूसेवाला के परिवार इस मामले में, आज आपको बताऊं कि जहां पर ये गेस्ट हाउस है जहां पर गैंगस्टर पुलिस कस्टडी में ही अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता था, वहां पर नीचे एक बैंक है और बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। तो सिद्धू मूसेवाला की माता अपने गाँव के कुछ लोगों को लेकर वहाँ पहुँच गई और वहाँ से सीसीटीवी फुटेज उन खुद परिवार के लोगों ने लिया। उनका कहना है कि पुलिस पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला मामले में इंसाफ मिलेगा। और आप देखिए, आम आदमी पार्टी के जो रिएक्शन आ रहे थे, सरकार की बात करें, सरकार के मंत्री कुछ तो हंसते कराते हुए दिखाई दिए। बीते दिन की बात करें तो कुलदीप सिंह धालीवाल एक मंत्री हैं, पंजाब के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये छोटा मोटा मामला है। और आज एक मंत्री हंसते हुए कह रहे थे कि अगर पंजाब के बाहर से पकड़ के ला सकते हैं तो पंजाब में अगर कोई गैंगस्टर भाग गया है तो उसको भी पकड़ लेंगे। और विपक्षियों पर आरोप लगाया कि उनके वक्त में जो पुलिस का सिस्टम खराब रहा, उनकी सरकारों के वक्त में, उसी वजह से आज ये सब घटनाएं हो रही हैं और पुलिस सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन शायद ये बात सरकार भूल रही है कि 6 महीने का वक्त हो चुका है पंजाब में, सरकार बदले, आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस सिस्टम दुरुस्त क्यों नहीं हो सका। गैंगस्टर को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने के आरोप सिद्धू मूसेवाला का परिवार भी लगाता रहा है, और यहां पर सीधे तौर पे सामने आ रहा है कि किस तरह से एक गैंगस्टर को पुलिस कस्टडी में अयाशी करवाई जा रही थी। अगर एक पुलिस अफसर गलत था, वो ऐसा कर रहा था, तो सीनियर अफसर क्या कर रहे थे? उन्होंने निगरानी क्यों नहीं की? जब उसको जेल से लाया जाता तब क्यों नहीं देखा जाता था कि बिना पुलिस? बिल्कुल मोहित, ये सवाल सिर्फ प्रीतपाल सिंह पर नहीं बल्कि पंजाब के पूरे पुलिस सिस्टम पर है, जिसकी वजह से पूरी सरकार पर सवाल उठ। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।